खूबसूरती तो बात सही है देखने वाले की आंखों में होती है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि डिजर्व करते हैं हॉलीवुड और वो यहाँ ट्राई मार रहे हैं तो जगह ही रहोगे मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सारा सलमान सर के <laughs> पीछे पीछे मैं भी चल पड़ूंगा <laughs> नो, नो, नो ये कट कर सकते हैं आपके पॉडकास्ट का चक्कर होता है आप कुछ भी बोल जाते हो यार क्योंकि ऐसा लगता है हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं टोनी वेलकम टू मिर्ची थैंक थैंक यू यू गौरव सो हैप्पी

जो कि पेड़ पे होती है और पौधों पे होती है राइट right बिफोर जो फूल होता है ना तो वो कली होती है तो कांटों के बीच रहती है तो, तो कांटा चुप <laughs> आपने बोला था आप कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल <laughs> बात नहीं करते अच्छा अच्छा ये है ये, ये, <laughs> <laughs> बट आपके जो गानों के नाम होते हैं ना राइट right. काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और छोटे शॉर्ट एंड होते हैं कोका कोला या धीमे धीमे right. ये कैसे आता कैसे ये थॉट ये मुझे लगता है ऊपर वा, वाला लिखवाना चाहता है मुझसे तो वो दिमाग में दे देता है और थोड़ी बहुत एक वो बोलते हैं ना कुछ लोग सपने देखते हैं और सपने साकार करने की पावर भी देते हैं किसी किसी को तो बस वो सपना साकार भी हो जाता है मतलब बड़ी बात है कि अगर हम सोचते हैं कि गाना बना सकते हैं उसको रिलीज भी कर पाए तो रिलीज भी कर लेते हैं और वो जनता तक पहुंच भी जाता है पसंद भी आ जाता है तो इट्स जस्ट दैट आई 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 डोंट थिंक कि मैं कुछ करने का केपेबल हूँ सच में बोल रहा हूँ hmm. या आप भी ये तो उसने डिसाइड किया हुआ है उससे पहले कि एक और पेंडेमिक आए जो करना है कर लो बट <laughs> टोनी आपका दस साल पहले जो एम था right. वो अभी पूरा हो चुका है एक्चुअली क्लैरिटी नहीं थी एम तो मुझे लगता है हमारे एम जो होते हैं ना उल्टे पुलटे होते हैं हमारे एम रॉन्ग भी होते हैं हम्म और उसके बारे में बोलना चाहोगे आप हाँ जैसे कि मुझे आ, वो वो ठीक है कि मुझे बहुत पॉपुलर होना था बहुत ज़्यादा अपना नाम करना था पर आ, वो सही भी हो सकता है खराब भी होता है वंस यू रीच टू अ प्लेस फिर आपको वो जगह के लगता है अरे मैं इसके लिए आया था आ, नहीं, नहीं मज़ा नहीं आया बट मुझे तो मज़ा आया है मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मुझे मज़ा आया मज़ा इसलिए आया बिकॉज एक पॉइंट के बाद आके थोड़ी सी पावर हाथ में आई है और पावर खुद की ज़िंदगी जीने की मेरा हर ये मेरे को रिसेंटली पता चला लास्ट फोर इयर्स में कि जो मेन एम है वो है खुद का कंट्रोल लाने के लिए लाइफ में वो है रियल सक्सेस अगर कल मैं डिसाइड करूं कि गोवा उड़ के जाना है तो वो मैं डिसाइड कर पाऊँ अगर बचपन से ये ख्याल होता कि तेरे को कंप्लीट फ्रीडम और उस तरह की पावर और उतना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो मैं वैसे करता था पर वैसा हो गया है इसलिए शायद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये था तो ऊपर वाले ने ये सोच के कि ये तो पागल है इसको क्लैरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना चलो इसको सही रास्ते पर ले आते तो उन्होंने मेरे को सही रास्ते पर ले है मुझे कहीं कही मतलब मैं अपनी लाइफ का भी अगर सोचू ना लाइफ मिलते हैं सो so आपको पता चले कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में right, सीखने के लिए राइट right. क्या आपको भी लगता है कि लाइफ लेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जरूरी होते हैं और ज्यादातर तो मेरी मामा और सोनू दीदी से ये सुना है कि वो बोलते हैं बेटा जब तक आप खुद नहीं ऐसा हो ना तब तक आपको नहीं पता चला चलेगी इस बात की गंभीरता कल जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपने डाला था कि टोनी का मैं इंटरव्यू लेने वाला वाला पॉडकास्ट करने जो टोनी फैम है, उनके इतने सारे मैसेजेस आए और वो देख के पता चलता है ना कि जो प्यार होता है वो इतना इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए मतलब वो आपके लिए आ रहे थे मैसेजेस बट एक फीलिंग जो आती है ना कि इतने सारे फैंस है और इतना सारा प्यार है कहीं ना कहीं कभी ऐसे प्रेशर फील होता है या फिर लगता है कि नहीं यार इतने सारा प्यार जो मुझे मिल रहा है सही चल रहा है अभी बस एक कम से कम प्यार जब ये लोग इतना देते हैं तो इनसे ये तो पता चलता है कि आ, मैं ठीक जा रहा हूँ और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आधा आधा डिग्री से भी रॉन्ग होते चले जाते हैं तो इवेंचुअली बहुत गलत जगह पर पहुँच जाते हैं तो वो ये है कि आ, ये लोग वैलिडेट करते रहते हैं ये लोग बताते रहते हैं सही जा रहा हूँ मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इतने फैंस होंगे और फैंस से भी ज़्यादा जो मेरी एक ये एक छोटी सी कम्युनिटी है हम कुछ दस बीस लोगों की उनमें से मैं अब इस साल वो मिशन रख रहा हूँ कि अभी मैं दस बीस फैंस को तो डायरेक्टली जानता हूँ उनके नाम से उनके चेहरे से उनके इंस्टाग्राम से अब जो वो दो सौ वाले हैं जो दो सौ ऐसे हैं कि सच में अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक बोतल खून चाहिए तो वो दे देंगे तो उन सबसे मिलूँ इस साल बात करूँ और समझूँ और उनका सपोर्ट और जाके बोलूँ कि ये सपोर्ट ना मुझे उम्र भर चाहिए बिकॉज इससे क्या होता है ना कई बार आप डाउन भी होते हो तो ये लोग होते हैं ये लोग नि, आपको निकाल देते हैं मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए छः महीने समय करो मैं आपको बता रहा था बट इस पॉडकास्ट के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि आपकी जर्नी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और आपने आपके जर्नी के बारे में बात भी किया जो आप पूरे स्ट्रगल जो देखे मैं उस पर नहीं जाना चाहता वापस राइट right. बट अगर आप आपकी जर्नी पीछे देखोगे वापस तो क्या अभी दिमाग में क्या थाट होता है मैंने कभी भी सपना तो देखा था ऐसा मैं नहीं बोलूँगा पर मुझे लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा ऐसा जो भी हुआ है वो जादू हुआ है और एक ही फैमिली में हुआ है वो और भी बड़ा जादू है यू नो सोनू दीदी नेहा मैं और हम तीनों के एक इंडिविजुअली एक पहचान है और अपना एक जोन है ये रेयर है तो आई थिंक वो माता रानी जिनके बहुत हमने जगराते किए उन्होंने एक झोली भर के पूरे आशीर्वाद ऐसे गिफ्ट में दे दिए ये ले बेटा तेरे लिए आपके हिसाब से फैमिली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान के अप्स एंड डाउन में वैसे भी इन जनरल भी और मेरे केस में भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मुझे लगता है हमारी फैमिली आ, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रही है और उनकी वजह से ही मैं हूँ जो भी हूँ बिकॉज मैं कम्प्लीटली रॉन्ग भी जा सकता था ये सब यू नो दीदी का फोन करके बोलना टोनी ऐसे नहीं ऐसे नेहा का ये गाइड करना या नेहा तो नेहा इज़ लाइक एक आ, बोलते ना खुला खुले दिल वाली एकदम और वो छुपाएगी नहीं आप चीज ड हर वर्ड्स तो वो सीधे जो ओपन क्रिटिसिज्म है वो सीधे बोले ये बकवास है तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है और हेल्प मिलता है और हम मैं ठीक हो जाता हूँ बहुत बहुत मुझे लगता है फैमिली बहुत ज़रूरी है यार जो लोग फैमिली के बिना होते हैं ना वो बहुत ही आ, अंदर से खाली होते हैं मुझे लगता है अब नेया मैम की बात करे थे right. लास्ट डार्ट कब पड़े है, नेया मैम से या कोई फीडबैक वो थे? तो चलता ही रहता है वो तो हम तो वैसी तू वैसी तू ऐसा तू वैसा वो तो हमारा डेली चलता ही रहता है नेहा तो इस माय फ्रेंड एक्चुअली बहन तो है ही पर उससे ज्यादा हम लोग दोस्त हैं पहले वो तो अभी कल परसों ही हम बहुत झगड़े हैं और फिर झगड़ने के बाद फिर गले लगा लेते हैं पर ऐसे प्यारे नोकझोंक जो होते प्यारे नोकझों हाँ, वो किसके कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं प्यारे नोकझोंक इस पर ही होते हैं जो कि नोकझोंक वाली ही बातें हैं कि अब ये हॉरर मूवी देखनी है या थ्रिलर देखनी है मर्डर मिस्ट्री देखनी है। <laughs> ये कभी मम्मी देखो कभी मेरी नहीं सुनता है ये हमेशा ये अपनी चलाता है इसको तो पता नहीं किस घमंड में रहता है पता नहीं कब क्योंकि मैं मैं बहुत ब्लंड हूँ मैं और जैसा रहता ही है भाई बहन का ऐसा ही रहता है मैं सीधे बोलता हूँ तो एकदम बहुत मोटी लग रही है आज यह मतलब दो विच इज़ यू नो नॉट बल जब वो खुद ही बोलेगी कि मैं डाइट पे हूँ तो देख पता चल रहा है ना मैंने काफ़ी अच्छा अपने आप को लीन कर लिया ली। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है हाँ। भी वैसी की वैसी ही है तो उस तरह के फिर गुस्सा हो जाती बोलती है बोलती है देखो बदतमीज़ ऐसी बोल देता है कुछ नहीं छुपाता कुछ नहीं ऐसे बोलता

मैंने आपको बोला ना कि मुझे बहुत सारे सवाल आए आने वाला बाद में बट ज्यादा जो सवाल थे वो हाँ, थे आप और नेहा मैम के और कौन से सॉन्ग्स कितने कब कितने आने वाले पता नहीं वो नेहा और मेरे गाने तो मैं चाहूँ तो बहुत सारे बना लूँ बहुत सारे पर मैं ऐसा भी नहीं कि मैं यू नो एक बार ले आऊँ हमारे गानों की जो कि साथ में है क्योंकि हम वैसे भी तो करते हैं साथ में पर धीरे uh, धीरे दो तीन महीने में एक गाना ठीक है नॉट मोर देन दैट क्योंकि उसके बाद कि मैं एज क्रिएटर भी मेरे को भी एक्सप्लोर और भी करने अभी फ्रॉम दिस ईयर आई विल एक्सप्लोर मोर वॉइसेज ऑल्सो दो नेहा uh, की खास बात नेहा ही है ने जो नेहा के पास है वो किसी के पास नहीं है तभी वो नेहा का खड़े पर एज अ म्यूजिशियन आई शुड एक्सप्लोर विद यू नो मोर वॉइस तो आई वॉन्ट टू कोलाबरेट विद फ्यू मोर फीमेल टैलेंट्स इन द कंट्री I recently met शर्म She was such a fun, uh, uh, like we had fun conversation that day, and I really love her uh, voice and her singing. तो आई एम श्योर शर्म के साथ भी कुछ करेंगे कोई गाना बाकी नेहा के साथ तो बहुत सारे आने ही हैं अभी एक और हमारा सिंगल है जो कि नेहा का म्यूज़िक वीडियो है उसमें बदमाश है उसका नाम बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उसके हाँ, बारे में कब आने वाला बदमाश नेहा का आ, मुझे लगता है कि अगर वो सही आ, तरह से मार्केट हुआ दैट हैज़ द केपेबिलिटी टू बिकम द सॉन्ग ऑफ द ईयर दैट इज़ नेहाज बेस्ट ट्रैक इन रीसेंट टाइम्स मेरा भी बहुत अच्छा आ, मैंने उसमें गाना बनाया है उसका प्रोडक्शन किया है तो अगर हमने मार्केट सही किया या फिर अगर शायद हम यू ने आप पता कोई कंपनी उसको रिलीज़ करे क्या प्लान्स हैं अभी Uh, आलोक भाई वगैरह सब लोग हम लोग टीम में डिसाइड करेंगे कि उस गाने के साथ क्या होना चाहिए तो दैट विल बी अ बैंगर फॉर श्योर फॉर श्योर यूजुअली मैं अपने पॉडकास्ट में एक टॉपिक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में करेक्ट आई एम रॉन्ग ठीक है आपका शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो इस पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ठीक है बट किस्मत का जो एक होता है ना एक पॉइंट कि कभी -कभी वर्क नहीं करता आप अग्री करते हो इसे? आ, बिल्कुल अग्री करता हूँ बाकी यहाँ एक स्वीट स्पॉट रिक्वायर्ड होता है टैलेंट से भी ज्यादा टैलेंट तो देखो सभी टैलेंटेड तो हैं। ही टैलेंट तो ऐसा ही कहते ना कि वो पॉपुलर है पर टैलेंटेड नहीं है ये तो मैं मानता नहीं इस थ्योरी को तो मैं मानता नहीं हूँ वो जो काम कर रहा है जिस जोन में है वो उस जोन में तो वो टैलेंटेड है ही कोई भी इंसान जिसको आप यू नो ज़्यादा ट्रोल भी करते हो या जिसको बोलते हैं ये तो कुछ नहीं है यार मिलियंस लोग उसके पीछे हैं कुछ तो बात होगी बाकी ये मैं मानता हूँ कि ये डेफिनेटली ऐसा भी बहुत होता है कि टैलेंट होता है पर उन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं वो उस दुनिया के बने नहीं होते मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि डिजर्व करते हैं हॉलीवुड और वो यहाँ ट्राई मार रहे हैं तो जगह ही रॉन्ग और ऐसा भी नहीं है कि ये मैं या जो भी बाकी आर्टिस्ट हैं वो एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो अपने को खुदा मानने लग जाते हैं ये सोचते हैं हम ही सब हैं मुझे पता है मुझसे बहुत करोड़ों लोग मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं पर मैंने स्वीट स्पॉट हिट किया है दैट्स इट कभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस फील हुआ कभी भी नहीं ये ज़रूर थोड़ा बहुत होता है कि गाने को लेकर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ये हमारा गाना है इतना तो पसंद किया ही जाएगा पर वो भी कई बार बैकफायर किया है कई बार सोचते हैं कि बहुत चलेगा नहीं चलता है

अगर बदलाव ही चेंजेस कॉन्स्टेंट और मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा बट क्यों ऐसा कुछ रीजन है नहीं रीज़न नहीं है थोड़ा मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ थोड़ी किताबें पढ़ता हूँ तो जिस जिस राइटर की किताब पढ़ता हूँ थोड़ा उसके जैसा हो जाता हूँ ये मूवी से अब इन्फ्लुएंस नहीं, नहीं होता मूवी थोड़ी फेक होती है किताब थोड़ी ज़्यादा रियल होती है कौन सी किताब पढ़ रहे हो वैसे अगर आप बताना चाहोगे तो नाम नहीं याद रहते यार ओके आपके हाथ पे वैसे क्या लिखा है आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूंग एंड राइट डूंग देर इज़ अ फील्ड आई मीट यू देर रूमिंग तो आ, हम लोग सब हमारे आइडियाज़ होते हैं हमारे सब हमारी करंट सोच होते हैं मुझे लगता है आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ क्योंकि आपकी सोच अच्छी है कल मैं आपके लिए ख़राब भी हो सकता हूँ आप बोलेंगे देखो ये आ, अच्छा ही देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि देखो कितना सक्सेसफुल हुआ है अपने लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया क्या क्या नहीं कर लिया एक बार पेपर पे, पे लिख के बता तो मैं सकता नहीं हूँ आपको मैंने क्या क्या yeah, कर लिया yeah, लोगों yeah. को पता भी नहीं होता एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट द यू नो द बिग म्यूजिक लेबल जिसने कि दुनिया में इतिहास इंडियन म्यूज़िक सीन का चेंज कर दिया देसी म्यूज़िक फैक्ट्री दैट इज़ माई कंपनी तो ऐसे लोगों को पता नहीं होता बट वही मैं बोलूँ ऐसे बताने जाऊँ तो बहुत कुछ हुआ है तो आप बोलेंगे कि अरे इसने बहुत कमाल कर दिया ये आपकी सोच है यही आपकी सोच ये भी कह सकती है कि देखो ये तो पागल आदमी है तो कमसिन कली को काटा चुबा दिया लिखता है ये तो ख़राब कर रहा है लोगों को तो फिर मैं सोचता हूँ कि यारे गुलजार साहब ने भी तो लिखा है कि खटमल चोली में घुस गया और करता रिंगा रिंगा यू you नो know, सो फिर सही और गलत के तो मायने ही कुछ नहीं है सही और गलत तो सब सोचने वाले के सामने आप उसको सही मान सकते हैं वही सही मान के आप बीडी जला लीजिए घर में बढ़िया आके उसको आप यू नो नेशनल अवार्ड दे सकते हैं या फिर नॉमिनेट कर सकते हैं वहीं आप चार बोतल वोटका को गाली दे सकते हैं इट्स ऑल योर करंट थॉट व्हाट यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर इशू मुझे ऐसे भी लग रहा है कि सोशल मीडिया बहुत टारगेटेड है सोशल मीडिया तो पीपल डोंट नो कि ये लोग ग़ुलाम हो गए और जैसा दी ओनर्स ऑफ सोशल मीडिया उनको जैसा एक चूहे को एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जैसा चला रहे हैं ये लोग वैसा चल रहे हैं वो चाहते हैं आप ऐसे कमेंट्स करें उन्होंने पागल बना दिया आपको कि वही टोनी कक्कर एक कोई गाना डालेगा आप उस पर चार कमेंट्स कर देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे उस पर तीन लाइक आ गए और उन्होंने पता ही नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर दी है इसने आपने अपने एग्जाम्स देने थे वहाँ आप फेल हो गए हैं पापा के कई काम थे वो आपने किए नहीं हैं घर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे खुद पढ़ लिख के बेहतर हो सकते थे वो सब किया नहीं अभी ऐसे हम भी फंस गए हैं हम भी खुद ही करते हैं ना ये सब हम भी तो स्क्रोल करते हैं सुबह उठ के आप भी अडिक्टेड हो हाँ अडिक्टेड प्योरली अगर मैं उठ के नहीं देखूंगा कि क्या हुआ है इंस्टाग्राम पे तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कुछ और फिर फिर ऐसा लगता है यार जो दिल को अच्छा लगेगा वही करना चाहिए ना बाकी काम भी होता रहेगा तो फिर वो वही है कि

टोनी <laughs> तो कक्क का म्यूजिक वो हुआ तो तब से तो फिर पहले ये लोग गाली देते थे ये कि टिकटॉक वाले गाने बनाता है टिकटॉक इस खुद टिकटॉक पे आ गए आ अभी वो टिकटॉक का नाम बदल के कुछ और हो गया है अभी वो कहीं और हैं और खुद फंस गए हैं और फिर सोचते हैं कि अरे हम जिसको गाली देते थे कि ये पंद्रह सेकंड के गाने दो दो मिनट के गाने बना रहा है अभी खुद सारे लोग दो मिनट के गाने बना रहे सबसे पहले मैंने डेढ़ मिनट दो मिनट के गाने बनाने शुरू किए और उसके बाद अब सब लोग खुद ये करने लग गए हैं अब अब इसके बाद कोई नहीं करेगा अब पता नहीं अब क्या होगा अब इट इज़ अब बिट इट इज अब बिट केटिक एक्चुअली अब पता नहीं क्या होगा आई डोंट नो मैं भी खुद प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अब जो होगा सो होगा इसके बाद क्या इसके बाद क्या आधा मिनट के गाने बनेंगे या आधा मिनट के म्यूजिक वीडियोस बनेंगे स्पैन अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है आई डोंट नो वॉट विल हैपन मैंने आपको बोला आपके फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस है कमेंट्स है मैं एक एक नाम लेके पढ़ने वाला हूँ आपको शायद नाम भी पता होंगे उसमें से अकाउंट का नेम है टोनी कक्कर फैन यश इनका सवाल है कोका कोला टू धीमे धीमे टू कब आएगा यश थैंक यू तुम बहुत सपोर्ट करते हो एक तो उसके लिए और दूसरा कोका कोला टू भी आएगा गाना तो बन गया है धीमे धीमे टू भी जल्दी आना चाहिए आई थिंक टू में इनमें से एक तो आई जाएगा जितने भी आपने गाने किए ना मेरा फेवरेट है आजा मेरे बाइक पे आई डोंट नो वो पता नहीं वो अभी भी आई थिंक 2017 में आया था राइट right. वो गाने का वाइब ही अलग है अरे वाह उसका कुछ भी नहीं उसका हम कर सकते हैं वर्जन टू कर सकते हैं और इनफैक्ट आज देखो सबसे कमाल की बात है यही कई बार मैं भी सोचता हूं कि क्या मैं जो वो पाँच सात दस गाने जबान पे आते हैं जब लोग सोचते हैं टोनी तो कक्कर आपके गाने तो मुझे लगता है वो गाने होंगे पर अगर बहुत सारे लोगों से बातें करो ऐसे ही अभी सुबह मैं एक और इंटरव्यू दे रहा था तो एक आज थी उनका फेवरेट गाना है मेरा कुर्ता पाजामा आप बोल रहे हो आजा मेरी बाइक पे तो फिर ये मेरी यू नो जो टॉप टेन है उसको कही कहीं ना कहीं टॉप ट्वेंटी कर देते हैं तो बहुत सारे गाने आई रियलाइज़ कि यार गॉड इज़ रियली काइंड मतलब ऐसा ही नहीं है कि धीमे धीमे कोका कोला या मिले हो तुम हमको सावन आया खुदा भी जब तुम्हें गोवा uh, वाले बीच सिर्फ यही गाने नहीं हैं जो yeah. तेरे टॉप फाइव टॉप टेन हैं शायद टॉप ट्वेंटी सॉन्ग्स हैं एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि लोगों के यूजुअली सिंगर्स के गाने आप एक या दो गाने याद रखते हो एंड थैंकफुली मेरे इतने ऐसे गाने हुए हैं तो थैंक यू भाई yeah. ये शायद मेरे को और मोटिवेशन देगा काम करने की एक सवाल मुझे इससे आया ना कि right.

तो ये आप मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिवली सोचते हो आप कई बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगा लेते हो अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप सोचो कि फाक ओह सॉरी आप सोच लेते हो कि ये गाना तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा ये तो उसके भी ऊपर होगा पर शायद पहली बार में सुन के आपको कोगा कोला या धीमे धीमे जितना अच्छा ना लगे क्योंकि वो गाना आप उसके साथ चार पाँच साल जीत चुके हो उसके साथ आप दारू पी के इतने भंड हुए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपने टांगे तोड़ तोड़ के नाचे हो तो वो गाने का तो लेवल ही अलग हो गया ना आपकी लाइफ में धीमे धीमे तो अलग ही लेवल पे है yeah. इसके लिए वैसी वाली पार्टीज करनी पड़ेंगी तब कम से कम लिए आपके लिए उतना बनेगा तो ऑलरेडी बन गया बट टाइम लगा थैंक यू थैंक यू सो क्रेडिट गोज टू एकता मैम एंड दिबाकर सर एंड एल एस टू की टीम जिन्होंने ये गाना एक्सेप्ट किया और सेलेक्ट uh, किया फॉर द मूवी बिग थैंक्स टू सारे गामा हमारा म्यूजिक लेबल इन सब ने ये गाना फिल्म में लिया और सबसे पहले तो एकता मैम उन्होंने मैंने तीन गाने सुनाए जब मैं पहली बार उनको मिला और मेरे को ये था कि मेरे को एकता मैम के साथ काम करना है बिकॉज आई एम अूज फैन वॉट शी हैज़ डन फॉर द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आई डोंट थिंक इतना बड़ा को कभी किसी ने कुछ जादू किया है तो वो तो जादूगर हैं एकता मैम उन्होंने इतना कमाल किया और उनका सेलेक्ट करना मेरा गाना और सबसे पहले मैंने तीन गाने सुनाए तीन में से दो उन्होंने सेलेक्ट किया अच्छा वो वो हाँ। <laughs> तो आई वाज रियली मैम आप बहुत प्यारे हो और आप इंस्पिरेशन हो आई लव यू इट्स नेहू प्रीत है उनका भी सवाल है हमारे रोहन भाई हैं और नेहू हैं मैं तो कहीं ना कहीं हूँ मैं तो उतना गुड लुकिंग भी नहीं हूँ बट ऐसा, ऐसा नहीं, <laughs> नहीं ये तो जो ने, इट्स जो अकाउंट होल्डर हैं वो ज्यादा खूबसूरत है खूबसूरती तो बात सही है देखने वाले की आंखों में होती है गुड वन ओके नेक्स्ट वन टोनी फैम चैताली चैताली आई लव यू थैंक यू यार आप इतना सपोर्ट करते हो यार एक दिन हमें ना अपना एक, एक फैंस के लिए ग्रुप बनाना चाहिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो जहाँ हमारे एकदम ये सब टॉप फैंस हैं और उनके साथ वीडियो कॉल और ऐसे इंटरव्यूज करने चाहिए ताकि वो नो, अभी मुझे करना ही है प्लीज ये लिख लो, उनका ये लिख लो भाई, प्लीज उन, ये 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 उनका भाई लेट्स डू इट और एक सवाल था हाँ। कि आप फैंस को भी म्यूजिक oh ये वीडियो क्या था मेरे को कोल्ड ब्रू ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली सबसे ज़्यादा पसंद है तो कब कभी आइस अमेरिकन हो कभी हॉट अमेरिकन हो और कभी कोल्ड ब्रू कॉफी लवर हो कॉफ़ी लवर हूँ और फिर कैपचिनो किसी किसी दिन और किसी किसी दिन तो मैं पता है <laughs> जब भी ऐसा होता है ना hmm. मैं माता रानी को थैंक यू बोलता हूँ बिकॉज़ यूजली मैं कैफ़े में जाता हूँ और uh, कई बार मैं सिर्फ दो कॉफी ऑर्डर करता हूँ कि थोड़ी सी कैपचिनो पीऊँगा थोड़ी सी अमेरिकानो पीऊँगा कैपचिनो शुरू में पीऊँगा और फिर मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ थोड़ा वेस्ट भी होता है बट hmm. uh, मेरे भाई लोग इतने वो अच्छे हैं कि अगर मैं दस से पीता हूँ तो उसके बाद वो कप फिनिश कर देते हैं फूड वेस्ट नहीं करते बट थिंग इज़ कि देन आई थैंक गॉड बिकॉज आई रिमेंबर दोज डेज जब हम लोग एक बार हफ्ते में पिक करते थे कि यार इस दिन बर्गर खाएंगे मैकटी का तो दैट वे वी आर सो प्रिविलेज एंड थैंक यू टू भगवान जी की उन्होंने इस प्रिविलेज पोजीशन में पहुंचाया yeah. जब एक कॉफी पीने का मन करे तो दो कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं या yeah. कानपुर कयाश हाँ yes, yes. फेवरेट सवाल है ठीक है धीमे धीमे शादी कब करेंगे टोनी भैया <laughs> मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सारा सलमान सर के पीछे <laughs> पीछे मैं भी चल पड़ूंगा मैं सलमान भाई से पूछूंगा <laughs> जिस दिन वो उन्होंने तो ना बोल दिया कर लूंगा उन्होंने ना बोल दिया तो इस पे शायद ना ही है ठीक <laughs> <laughs> है ह्यूज फैन ऑफ सलमान भाई एक्चुअली हां दैट मैन इज एक मतलब शाहरुख सर और सलमान सर मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे कि दो में से एक पिक कर लेते हैं कि मैं तो सलमान फैन हूं मैं शाहरुख फैन हूं बट मैं तो सच में एसआरके फैन

यू कान्ट रीच टू हिम कभी कभी छः महीना मैं पहुँच जाता हूँ अपने ऐसे जोन में जहाँ दो पीपल कैन रीच आउट टू मी ऐसा एक हम गाना करने वाले थे औरियन म्यूजिक से मुझे फ़ोन आया था रिची भा, भाई का भी फ़ोन आया था कि टोनी एक गाना दो हम औरियन म्यूजिक पे करना चाहते हैं कभी मैंने इसकी बात की नहीं है क्योंकि वो हुआ नहीं इसके लिए क्योंकि मैंने uh, पता नहीं आई कुड नॉट आई मिस हैंडल्ड इट एंड आई पता नहीं उन दिनों में गाने बनाने के मूड में नहीं था मैंने एक दो गाने ट्राई भी किए तो मुझको लगे नहीं कि वो भेजने चाहिए फिर उनके लेबल से कई बार फोन भी आया कि भाई आप गाना भेजने वाले थे क्या हुआ टाइमिंग का थोड़ा टाइमिंग का इशू है और कई बार आप आप देख रहे हो कि अ मैन जिनको मैं गॉड मानता हूँ अरिजीत सिंह उनके भी फ़ोन करने पर मैं गाना नहीं दे पाया तो इट्स लाइक कि मैं ज़िंदगी को कितना आगे रखता हूँ मेरे लिए ये है कि मैं ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ यार अगर उस स्टेट में नहीं हूँ कि गाना नहीं बना पा रहा हूँ नहीं भेज पा रहा हूँ तो दैट्स ओके बिकॉज द थिंग इज़ कि वो भी ऐसे नहीं है कि वो ये मानेंगे कि मैं अरिजीत सिंह और मैं मतलब मैंने तीन चार फोन भी करवाया और टोनी जवाब नहीं दे रहा है या कहाँ है वो या फिर वो गाना नहीं भेज रहा है वो बंदा इसीलिए इतना बड़ा और वो डिवाइन है मतलब इतना दैविक है वो बंदा क्योंकि वो बंदा अपने आप को मानता ही नहीं कि वो अरिजीत सिंह है आप यू कैन अफोर्ड टू से नो टू हिम ऑल्सो और या फिर कि भाई मैं बाद में दूंगा बिल्कुल भी ईगो है ही नहीं ना भाई वो तभी भगवान है वो बंदा यही आप किसी उस स्टैचर के बंदे के साथ आप चार फोन का जवाब ना दो वो बंदा आपको इंडस्ट्री में रहना मुश्किल कर <laughs> ठीक <laughs> है नहीं नहीं वो दैट वाज रियली ये इनकी बात होती है आपके पॉडकास्ट का चक्कर होता है आप कुछ भी बोल जाते हो यार क्योंकि ऐसा लगता है हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं हाँ तो वो होगा भाई वो ज, उस, अब जल्दी होगा और मैं जिस दिन हम दोनों भाई मिल लेंगे उस दिन अगर उनका मूड भी नहीं होगा करने का तो भी मैं पप्पाओं पकड़ लूंगा मैं बोलूँगा ई फेवरेट आर्टिस्ट वॉट आर यू डूइंग एक और गाना करना चाहिए, चाहिए। हाँ। क्योंकि वो उनको पता है मैं उनको कितना प्यार करता हूँ बिकॉज उनका इंडस्ट्री में उनका स्टार्टअप मुझसे एक दो तो तीन साल पहले आ गया था तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड भी किया था ड्यूरिंग दैट रिकॉर्डिंग एंड ही वॉज लाइक like, कि टोनी मुझे एक बात पता है कि तुम बहुत आगे जाओगे क्योंकि आई सी द पोटेंशियल इन यू एंड आई नो यू पहले से भी नेक्स्ट है पायल गोयल हाँ हैश टैग टोनिशा न्यू सॉन्ग कब अभी टोनी शाह हमने थोड़े टाइम पे उसको वो कर दिया था उसको थोड़ा ब्रेक लगा दिया था बट मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ या कोई भी आपके चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके आप हमेशा के लिए नाराज़ हो सकते हो एक दूसरे से करते हैं कुछ करते हैं ठीक ठीक है थीक है इट्स सुकृति Yeah. दर्शन रावल एंड नेहा कक्कर के साथ एक साथ का कोलाब को चाहिए हाँ यार होना ही चाहिए मतलब हम तीनों का हाँ एक साथ आई लव दर्शन रावल ही सच अ ग्रेट आर्टिस्ट उन्होंने कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए हैं बहुत इंस्पायरिंग है यार उनका जर्नी उन्होंने इनफैक्ट ही uh, क्या बोलूँ मेरे पास तो उनके तारीफ के वो कम है ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट लास्ट वन है ये टोनी फैम समीरा इंस्पिरेशन आपका इंस्पिरेशन कौन है वैसे तो मेरे मम्मी पापा हैं डेफिनेटली uh, और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन इंसान की आर्टिस्ट से भी ज़्यादा और मुझे तो uh, यही बोलूँगा सब कोई मेरे फैंस को भी कि इंस्पायर हो जाए आप किसी भी इंस्पायर हों तो आप इंसान देख के इंस्पायर होधर दैन टैलेंट बिकॉज टैलेंट बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट दिल सोने का रखें अपने पास जरूरी नहीं है तो

उसका सामान उठा के उसके साथ चलता था एज मैनेजर बहुत सारे आज तो बिहाइंड द सीन्स शूट करने वाले आ गए उस वक्त 2012-13 में आई टू शूट फॉर हर मैं उसके मेरे डी एस हमने खरीदा था तो मैं ऐसे बिहाइंड द सीन रहता था कैमरा शूट करता था वो वीडियोस अपलोड करता था बहुत कुछ एज मैनेजर बहुत कुछ किया है फॉर हर तो जैसे ये मिले हो तुम सावन आया ऑल दैट मैजिक हैपन और मैं मुझे इंडियन आइडल में आई थिंक इंडियन आइडल ही शो था वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर देवर सेलिब्रेटिंग माई सॉन्ग्स उस वक्त ये तीन गाने आ चुके थे और बहुत इनको प्यार मिला था मिले हो तुम सावन आए और खुदा भी जब तुम्हें और ये गाने सलमान अली और सभी वो कमाल के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे और साथ में नेहा थी तो मेरे लिए वहाँ महसूस करना कि यार मैं मैं भी एक ऐसा इंसान हो सकता हूँ जहाँ यू नो मेरी आज यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई हैव अचीव्ड कि जहाँ बिकॉज मैंने हमेशा से मेरा एक सपना था कि मैं एक कंपोजर बनूं और एक ऐसा कंपोजर बनूं कि हिंदुस्तान में उसका नाम हो वहाँ एक वैलिडेशन मिल गया कि यार यहाँ यू नो आप तो टीवी पे ही देखते थे ये सब और फिर मेरे साथ खुद हो रहा है वो आपको आप एक शो पे बुलाया जा रहा है और इतने बड़े शो पर और वहाँ आपके गाने गा रहे हैं सब लोग तो मेरे लिए वो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था वो हो गया रो गया तो रो गया <laughs> yeah. आप रियल लाइफ में बहुत इमोशनल हो ना वैसे वेरी इमोशनल पर्सन येस येस अभी तो आप और मैं इतनी कमाल की बात कर रहे हैं और आपने यू you नो know, जिस तरह से आपने जो मेरे बारे में बोला कि मैं फैन हूँ या ये गाना या वो गाना यहीं अभी मैं बाहर निकलूँ और आप बोलेंगे कि अरे तो मैं बकवास कर रहा था जो भी मैंने बोला

अब बिग थैंक्स टू ऑल माई फैंस एंड ऑल्सो व्यूअर्स क्योंकि कई बार आप कंज्यूम ही करते हो फैन नहीं होते तो सबके लिए बहुत सारा प्यार थैंक यू एल एस डी टू एक तो फिल्म जाके देखो आप और यूथ तो स्पेशली तुम लोगों को एक अलग परस्पेक्टिव मिलेगा एक अलग तरह का सिनेमा है दिवाकर बनर्जी इज़ अ लेजेंड उनके फिल्मों के एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग रही है और वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं यार उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो उसमें ज़रूर बहुत बात होगी और वैसे भी ये एल एस टू है एल एस वन तो एक कल्ट फिल्म रही है और साथ में एकता मैम उनका प्रोड्यूस करना इस फिल्म को आई एम श्योर ये बहुत कमाल की फिल्म है दो मैंने भी देखी नहीं है बट ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है एक तो मूवी देखें और कम से इन कली को जितना सुन सकते हो जितनी पार्टी कर सकते हो करो छोटी सी जिंदगी है थैंक यू सो मच सोच ऑल द बेस्ट आपको थैंक यू भाई